दोषोहत स्वभाव पृछा धर्म सम्मूढ़ चेता ब्रूहि निश्चित स्थे हम शादी माम प्रपन्न यहां से बात चली उसने कहा मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं दुनिया में यही तो कठिनाई है संपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं और धारावी की झोपड़ी में विपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं ये पूरा देश केवल दो बातों में बट गया एक संपन्न में और दूसरा विपन्न में बटना चाहिए था प्रपन्न में पर प्रपन्न कोई दिखता नहीं इसलिए भगवान आते नहीं लोग कहते भगवान का अवतार क्यों नहीं होता हम संपन्नता में जी रहे हैं हम विपन्नता में जी रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ सदगुण है वो प्रपन्नता का वो ईश्वर की कृपा से आता है उसके बिना मनुष्य साधना करे करने चाहिए लेकिन जब तक प्रपन्न नहीं होगा प्रपन्न का अर्थ होता है अपने किसी भी बल का किंचित मात्र अभिमान ने अभी हम सब लोगों के भीतर कहीं ना कहीं कोई अभिमान बैठा ही रहता है अवसर पाकर वो जागृत होता है बड़ी कठिनाई होती व्यक्ति को इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए सोचा अब मैं आप अपने को समर्पित करता समर्पण ही वो सबसे बड़ी साधना के क्षण है जहां परमात्मा को विवश करते हैं मिलन लिए परमात्मा विवश होता है उस प्रपन्न से मिलने के लिए विभीषण परमात्मा श्री राम को प्रपन्न होता है सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पे विपन्न होते हैं विदुर विपन्न होते हैं द्रौपदी विपन्न, विपन्न होती है और आप इन सब के जीवन में देखिए अपने बल का कोई प्रयोग नहीं पूरी तरह से समर्पित तब परमात्मा ने कहा अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ बनूंगा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव अर्जुन अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहता है क्षत्रिय मेरा स्वभाव शौर्य मेरा जीवन युद्ध मेरे जीवन का अंग लेकिन कैसी विचित्र बात हुई मेरे भीतर मोह जग गया द्रोणाचार्य के प्रति जाग गया भीष्म पितामह के प्रति जाग गया बड़ी कठिनाई है अपने ही समाज का अपने ही परिवार का व्यक्ति दुराचारी हो और हम उसका पक्ष लेने लगते हैं और बड़ी कठिनाई है जब ऐसा होने लगता है तभी समाज के भीतर दोष उत्पन्न होता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा यदि इसी प्रकार का आचरण कोई दूसरे समाज का व्यक्ति करे तो तुम क्या करोगे एक अबला स्त्री की लाज जा रही हो और दूसरे परिवार का अस्सी वर्ष का वृद्ध शक्ति संपन्न होने पर भी आंखें बंद कर ले तो अर्जुन तुम क्या करोगे अर्जुन ने बोला कि ऐसे तो पूज्य को मैं पूज्य नहीं मानूंगा तो बोले भीष्म पितामा ने क्या किया यही तो किया द्रोणाचार्य ने क्या किया यही तो किया जिनको बात मानती थी जिनको समर्पित हुई थी उन युधिष्ठिर ने क्या किया यही तो किया नकुल सहदो भीम सब ने क्या किया? जब उसने देखा कि कोई संसार में जिनसे जिनसे संबंध बांधे थे विपत्ति के अत्यंत कठिन क्षणों में भी मेरे कोई काम न आए तो परमात्मा श्री कृष्ण को उसने कहा संपन्न व्यर्थ गए अब तो केवल प्रपन्न ही बन के रहूंगे तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट